कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सेल्फ डिफेंस और स्टोरी टेलिंग जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज। एडमिशन ओपन एट प्रेसिडेंसी स्कूल, जयपुर रोड, गीगल, अजमेर। आप देख रहे हैं पूरे अजमेर में सभी वर्गों में खुशी की लहर है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, ऐसा बजट ने भूतों ने भविष्य दी। राजस्थान के कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक नज़ीर बना है राजस्थान। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पुरानी पेंशन स्कीम जो ख़त्म कर दी थी बीजेपी की सरकार ने, वो राजस्थान में हो चाहे दिल्ली में हो, उसको विधानसभा में वापस शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला है और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो भी भारत सरकार के कार्मिकों को, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है कम से कम वहाँ तो राजस्थान मॉडल लागू करो। कोरोना का प्रबंधन राजस्थान नंबर वन, फ्री दवा राजस्थान लीड, फ्री जांच राजस्थान नंबर वन, कृषि बजट राजस्थान नंबर वन, अकाल का प्रबंधन पहला कार्यकाल था इंडिया टुडे ने कहा नंबर वन सीएम। हर काम में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकारें बहुत लीड करती हैं। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, और अभी आपने देखा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का कितना बड़ा फैसला था। इतना बड़ा फैसला था, उसमें आप देखेंगे कि कितने बच्चों को नौकरियाँ मिल रही हैं। यानी हर SC ST OBC माइनॉरिटी EWS सबका ध्यान रख के, और इस बजट में तो उन्होंने कमाल कर दिया है। बीजेपी के लोगों के मुंह पे ताले लग गए हैं, विरोध करने को कुछ बचा नहीं है। इस बात पर हम आश्वस्त हैं 2023 में राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार फिर बनेगी, और 2024 में राहुल गांधी सड़कों पे भी लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी का चाल, चेहरा, चरित्र पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम अभी भी कह रहे हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितैषी फैसला किया है, पुरानी पेंशन स्कीम को वापस शुरू किया है, आप भी कर दें, समय रहते हैं, वरना ये पब्लिक है, सब जानती है।